हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू टेक प्लस गैजेट्स डॉट कॉम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसने वायरलेस ईयरबड्स के जमाने को आगे बढ़ाया था। मैं बात करने जा रहा हूँ एप्पल एयरपॉड्स के बारे में, लेकिन उसके सेकेंड जनरेशन जो एक दो महीने के अंदर एप्पल रिलीज करने वाला है। अगर आप एप्पल एयरपॉड्स जो फर्स्ट जनरेशन है वो लेना चाहते हैं तो उसको भी आप अभी ले सकते हैं 11-12 हज़ार रुपये में, आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। वो अभी भी आज के टाइम पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बेस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के मामले में वो बहुत अच्छा है और प्रीमियम फील आपको देता है। तो सेकेंड जनरेशन जो आने वाला है वो थोड़ा अपग्रेड वर्जन होगा इसका। माय स्मार्ट प्राइस करके एक वेबसाइट है, उसके सोर्स के हिसाब से मैं कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन। वो वेबसाइट ऐसी है जो लीक्स वगैरह निकालती है और उसके लीक्स वगैरह जो होते हैं वो 100% सही होते हैं, क्योंकि उसने अभी एप्पल का जो एप्पल 11 आने वाला है उसका एक स्क्वायर में जो ट्रिपल कैमरा के साथ फ़ोन है वो भी किया था, और उसने जो एप्पल 10 आया था उसके बारे में भी इमेजेस और रूमर्स वगैरह बताए थे, तो वो भी एब्सोल्युटली मतलब 100% सही थे। तो उसके सोर्स के हिसाब से जो एप्पल एयरपॉड्स 2 जो आने वाला है उसकी डिज़ाइन वगैरह सेम होने वाली है, लेकिन जो उसमें एक मेजर जो चेंज आने वाला है वो ये है कि आपको कलर ऑप्शन मिलने वाला है। मैट ब्लैक के साथ वो आने वाला है, जो मेरा पर्सनली फेवरेट कलर है मैट ब्लैक, उसके साथ वो आने वाला है। और दो कलर आएंगे और बाकी कोई चेंजेस नहीं है। उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का सेंसर लगा रहेगा। वो सेंसर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो सेंसर है कि उस हेल्थ ट्रैकिंग और फिटनेस वगैरह ट्रैक करने के लिए वो सेंसर है। तो आप स्मार्ट वॉच और अपने जो स्मार्ट बैंड वगैरह जो होता है उसकी तरह भी आप वो अपने एयरपॉड्स को यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह आपके फ़ोन में बताएगा कि आपका हार्ट रेट वगैरह क्या है, वो सब आपको बताने वाला है। और इसका जो और जो मेन फीचर है वो ये है कि ब्लूटूथ 5.0 के साथ इसकी कनेक्टिविटी आने वाली है। वाटर प्रूफ होने वाला है। पहले वाटर रेजिस्टेंट था, थोड़ा बहुत बचा लेता था जिसका फर्स्ट जनरेशन है, लेकिन अब ये वाटर प्रूफ है। अंदर भी डाल दोगे पानी के तो चलेगा, तो आप स्विमिंग वुमिंग करते टाइम भी बढ़िया आराम से वो ईयरपॉड्स लगा के स्विमिंग कर सकते हैं। और जो भी मेन चेंजेस है, ये सबसे खतरनाक चेंज इसके अंदर आने वाला है, जो मेन मॉडिफिकेशन जो इसमें करने वाले हैं वो लोग वायरलेस जो उसका चार्ज केस रहेगा, वो जो केस रहता है वो वायरलेस करने वाले हैं उसको। तो आप उसको बस पावर बेस्ट जो भी आपका वायरलेस पैड रहेगा उस पर रख देंगे तो आपके एयरपॉड्स जो है वो चार्ज होने लगेंगे, तो जो उसका पावर केस है वो वायरलेस होने वाला है। एप्पल ने ये भी दावा किया है कि जो बेस के मामले में जो थोड़ा लो चलते हैं एप्पल के ईयरफोन्स की बात कर लो, एयरपॉड्स के बारे में बात कर लो, तो जो एप्पल बेस पे ज़्यादा ध्यान दिया है इस जनरेशन के ईयरबड्स को, तो जो एयरपॉड्स 2 होने वाला है वो बेस के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके जो बाकी के प्रोडक्ट हैं जो एप्पल उस दिन सेम दिन लॉन्च करने वाला है, वो एक पावर एयर बेस टाइप का लॉन्च करने वाला है। उस पर आप मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर सकते हैं। एप्पल के ही होगा, जैसे एप्पल का जो एप्पल 10 है उसमें वायरलेस चार्जिंग है उसको, और एप्पल वॉच और आप एयरपॉड्स जो अभी आने वाले वो भी वायरलेस चार्जिंग के साथ आने वाला है, तो आप तीनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो उसको एप्पल एयर बेस या एप्पल एयर पावर बेस करके वो लोग उसको रिलीज़ करने वाले हैं। और एक और प्रोडक्ट है जो है आईपैड मिनी, एक छोटा वर्जन होने वाला है। जो भी लेटेस्ट आईपैड था उसका एक छोटा वर्जन होने वाला है। आई थिंक जो उसका प्रोसेसर होगा, जो उसकी चिपसेट होने वाली है वो A10 या A11 होने वाली है। अभी ऐसा कंफर्म नहीं है, लेटेस्ट चिपसेट के साथ वो लॉन्च नहीं करेगा क्योंकि उसका साइज़ वगैरह छोटा रहेगा, तो क्योंकि वो और चीप भी होने वाला है, सस्ता होने वाला है। तो ये कुछ 3 मेन प्रोडक्ट हैं जो एप्पल बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला है 1-2 महीने के अंदर ही, और इंडिया में भी तुरंत ही आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं होता है कि पहले US में होगा फिर उसके बाद इंडिया में होगा। तुरंत ही इसकी सेलिंग चालू हो जाएगी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन या उनके ऑफिशियल स्टोर पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, क्योंकि एप्पल के फैंस बहुत ज़्यादा है और एयरपॉड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था उन्होंने पिछले साल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, एक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबाइए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।